हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। और ये मैं पार्ट टू बना रहा हूँ अपनी वीडियो का, जो मैंने टॉक की थी ओरिजिनल म्यूजिक के बारे में और रिलेटेड टू माय एंजाइटी एंड माय एक्साइटमेंट जो साथ साथ चल रहे हैं नाउडेज एंड पिछले काफ़ी टाइम से। तो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरा बिगेस्ट फियर क्या है म्यूजिक को लेके और एक्साइटमेंट वाली चीज़ें क्या हैं। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना ये स्टिकर्स दिखाए थे गिटार के, कि इस पे मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं इनको लाइव परफॉर्म करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे वेन्यूज ढूंढूँ जहाँ पे ये मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स। ओके, सो शुरुआत इससे करते हैं कि मिस आउट क्या कर रहा हूँ मैं, जिसके बारे में मुझे काफ़ी लंबे टाइम से एक फियर फील हो रहा है या डिप्रेसिंग फेज चल रहा है। दैट इज बिकॉज आई लिव इन पटियाला और या फिर मैं चंडीगढ़ बहुत टाइम रहा हूँ, तो मेरे एरिया में पंजाब में या चंडीगढ़ में एटलीस्ट इस एरिया में बहुत कम ऐसे बैंड्स हैं जिनको मैं, या बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं टिकट लेके देखने जाऊं, यू नो। एंड इस तरह के शोज बहुत कम होते हैं कि कोई मेन स्ट्रीम बैंड आके या कोई आर्टिस्ट आ रहा है जिसको टिकट लेके जाके वहाँ पे देखने का मन करे और मैं कॉन्सर्ट्स अटेंड करने जाऊँ एज अ फैन। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो मैं लाइक करता हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कर भी रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम हो रहे हैं ऐसी चीज़ें, बहुत कम हैं, मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते भी हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है एटलीस्ट मेरे एरिया में। तो मैं बहुत बार कॉन्सर्ट्स देखने के लिए मुझे बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ा, जैसे पुणे, बॉम्बे, एंड वहाँ पे जाके मैंने स्टीव वाई को लाइव सुना था एक बार, और जो साट्रानी को लाइव सुना था पुणे में, और उसके लिए मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ा। तो लाइक मेरे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है सीन लाइव म्यूजिक का जो मैं जाके देख सकूं रेगुलरली, लाइक बहुत कम चांस मिलता है। दिल्ली में जाके, दिल्ली स्टिल नॉट दैट फार, तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं जो मैं जाके देखना चाहूँगा और मैं बीच बीच में जाता भी हूँ देखने। तो मेरा बिगेस्ट जो फियर है वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं इंडिया के, लेट्स से बॉलीवुड म्यूजिक एंड पंजाबी म्यूजिक, उससे हटके जो एक लाइन चलती है एक कुछ बैंड्स की, लाइक फॉर एग्जांपल बैंड्स लाइक परिक्रमा एंड येलो डायरी, अगर आपने इनका नाम सुना हो कुछ बैंड्स का, और द लोकल ट्रेन अभी वो वर्किंग नहीं है करंटली, बट कुछ टाइम पहले वो ब्रेक हुआ है, बट वो बहुत अच्छा एक बैंड रहा है जितने भी साल रहा है। एंड दीज काइंड ऑफ बैंड्स आर नॉट मेन स्ट्रीम इन माई ओपिनियन इन इंडिया फॉर सम रीजन्स, एंड एज प्रोफेशनल्स, जैसे एज अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट मैं जहाँ भी जाता हूँ आई प्ले कवर सॉन्ग्स, वो मेरे लाइक फॉर अ लिविंग मुझे कवर सॉन्ग्स प्ले करने होते हैं और आई लव देम, मैंने उनसे बहुत सीखा है कवर करके सॉन्ग्स को और मुझे बहुत मजा आता है कवर सॉन्ग करने में। बट माई बिगेस्ट फियर इज कि अगर इंडिपेंडेंट म्यूजिक या फिर इस तरह का म्यूजिक जो बहुत अच्छे अच्छे बैंड्स अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, तो क्या मैं कभी अपना ओरिजिनल म्यूजिक के बेस पे कभी अपना करियर बना पाऊंगा या नहीं, दैट इज माई बिगेस्ट फियर। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड ये बहुत सेम टाइम पे एक्साइटिंग भी है, बिकॉज जितना वो मुश्किल होता है या जितना भी वो हार्ड है उतना एक्साइटमेंट भी फील होती है, क्योंकि आप जब अच्छे आर्टिस्ट को सुनते हो, लाइक जो अगर हमारे इंडियन बैंड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं या हम वेस्टर्न आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट फील होती है कि ये कभी हम इसका कुछ परसेंट हम कर पाएंगे। बट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू सर्वाइव विद ओरिजिनल म्यूजिक स्पेशली हेयर इन माई एरिया, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो कुछ ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट करे और उसके ऊपर वो अपना करियर बिल्डअप करे। सो और मैं बहुत मिस आउट करता हूँ एक्चुअली, मैं काफ़ी मिस करता हूँ कि मैं कुछ कॉन्सर्ट्स देखने जाऊँ, टिकट खरीदूँ एंड मैं जाके इंस्पायर हूँ।
फॉर एग्जाम्पल मैं जब इन गिटारिस्ट की इंटरव्यूज देखता हूँ तो ये बताते थे कि बैक इन द डेज जब ये सीख रहे थे गिटारिस्ट, तो ये कॉन्सर्ट्स के लिए टिकट खरीद के जब देखने जाते थे तो बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे और बहुत बड़े बड़े गिटारिस्ट लाइक जिमी हेंड्रिक्स आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, यू आर गोइंग बीटल्स, फॉर बीटल्स यू आर गोइंग जेफ बैक, एडी वैन हेलन आ रहा है और आप देखने जा रहे हो, तो एक जो 14-15 साल का जो बच्चा है वो कितना ज्यादा इंस्पायर्ड होता होगा उन कॉन्सर्ट्स को देख के, और वो बाद में एक लेजेंड बनता है कुछ सालों बाद लाइक जो सैट्रियानी, स्टीव वाई, जब वो जिमी पेज को देखने जा रहे हैं तो वो उससे इंस्पायर होके या उसके रिकॉर्ड सुन रहे हैं उससे इंस्पायर होके वो बाद में स्टीव वाई जितना बड़ा आर्टिस्ट निकल के आ रहा है। बट हमारे पास इतने इनफ प्लेटफॉर्म्स नहीं है या वेन्यूज नहीं है जहां पे हम इजीली आसपास जाके टिकट खरीद के जाके देख पाए, और जब वो आर्टिस्ट आते हैं तो पूरी कोशिश होती है कि वो मिस ना किया जाए जब हमारे एरिया में वो आर्टिस्ट आते हैं। लाइक जब अरिजीत सिंह आया था तो मैंने 2-3 बार देखा है लाइव, मैंने केके को लाइव सुना है, मोहित चौहान को, ये कुछ बॉलीवुड आर्टिस्ट को लाइव सुना है, बट जिस तरह का मेरा गिटार में टेस्ट है लाइक स्टीव वाई, जो सैट्रियानी, इनको सुनने के लिए मैं इंडिया में थोड़ा दूर भी गया हूँ लाइक पुणे एंड प्लेसेस लाइक दैट, तो वो हमारे लिए इजी नहीं होता और अफोर्डेबल भी नहीं होता बिकॉज वो बहुत दूर है और हमें फ्लाइट्स लेनी पड़ेंगी, हमें होटल्स में स्टे करना पड़ेगा, एंड बेसिकली दैट इज वेरी हार्ड फॉर अस टू मेक इट हैपन, सो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं बहुत मिस आउट कर रहा हूँ कि हमारे एरिया में कुछ एक्साइटमेंट वाला कुछ म्यूजिक सीन क्रिएट हो, और करंटली मैं देख रहा हूँ कि कवर सॉन्ग्स के बेस पे ही हम सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियन सर्वाइव कर रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड थिंग एज वेल बिकॉज फॉर अ लिविंग वो हम उससे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, सॉन्ग्स बजाते हैं और सर्वाइव करते हैं, और हम इस तरह के ब्यूटीफुल गिटार्स खरीद पा रहे हैं और ये सब चल रहा है। बट फॉर सम रीजन मुझे ऐसे लगता है कि वी आर नॉट डूइंग ओरिजिनल म्यूजिक जितना होना चाहिए, और ओरिजिनल म्यूजिक के बेस पे कुछ बहुत ज्यादा आर्टिस्ट, एटलीस्ट मेरे एरिया में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट निकल के नहीं आ रहे हैं। स्पेशली मैं पंजाबी म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाबी म्यूजिक बहुत आ रहा है, बट और बहुत सारे जॉनर्स हैं जो स्पेशली जो गिटारिस्ट हैं वो समझ सकते हैं मैं किन जॉनर्स की बात कर रहा हूँ, रॉक एंड रोल, पॉप, जैज, ब्लूज, कंट्री, इस तरह के स्टाइल्स, इस तरह के आर्टिस्ट और इस तरह के लिसनर्स भी बहुत कम हैं यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेंगे इस म्यूजिक को, और ये सीन क्रिएट नहीं हो पा रहा है इस तरह का। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंटल करता हूँ, मैं सिंगिंग वाले बैंड्स की भी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैंड्स लाइक परिक्रमा एंड द लोकल ट्रेन, येलो डायरी, इस तरह के बैंड्स, एंड ये आप बिगर सिटीज में जाके इनको सुन सकते हो जो भी बैंड्स अभी तक चल रहे हैं इनमें से, बट स्टिल वो इतने मेन स्ट्रीम अभी तक नहीं हुए हैं कि उनको बच्चा बच्चा जान रहा हो, या जैसे मैं म्यूजिशियंस हूँ तो मुझे परिक्रमा के बारे में पता है या इन बैंड्स के बारे में पता है, बट वो इतने मेन स्ट्रीम अभी तक नहीं हो पाए हैं कि उनको जैसे दिलजीत के बारे में गली में किसी बच्चे को भी पता है या हर आंटी को पता है, हर अंकल को पता है, सो यू नो वो उतना मेन स्ट्रीम अभी तक नहीं आ पाए हैं इंडिया में। एंड सम बैंड्स जो पाकिस्तान से थे या हैं लाइक जुनून या जल्द बैंड या कोक स्टूडियो, तो चलो बैंड नहीं है बट वो जो भी प्रोजेक्ट है वो बहुत फेमस है, तो इस तरह के जो हैं वो बहुत मेन स्ट्रीम रह चुके हैं अपने अपने टाइम में, बट करंटली ऐसा कोई म्यूजिक सीन एटलीस्ट मेरे एरिया में नहीं हो रहा, तो ये मुझे बहुत डिप्रेस करता है, और मेरा बिगेस्ट फियर यही है कि क्या ऐसा ना हो कि मैं मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाए और ऐसा सीन मैं देखूं ही ना कभी कि क्रिएट होता हो अपने आसपास। एज अ फैन मैं किसी को एज रोल मॉडल बनता हुआ देखूं, ये मेरा ड्रीम है कि ओके ये इंडियन बैंड है जो बहुत मेन स्ट्रीम में आ चुका है एंड लोग सब इनको फॉलो करते हैं, इनके शोज होते हैं छोटे बड़े शहरों में, लोग देखने जाते हैं, इस तरह का सीन, एंड ऑल्सो हमें मोटिवेशन मिले कि हम अपना ओरिजिनल म्यूजिक कहीं पे जाकर परफॉर्म कर सकें, इस तरह के वेन्यूज या फिर ऑडियंस
इस तरह की मिल पाए जो ओरिजिनल म्यूजिक को एक्सेप्ट करे, बट कवर सॉन्ग्स ज्यादा उसके बेस पे हम अपनी लिविंग कर रहे हैं. एंड दैट्स इट. आई थिंक ये कुछ बातें जो मैं शेयर करना काफी टाइम से चाह रहा था, तो आज मुझे मौका मिला. आज मैं फ्री भी था और आज मेरा मूड था कि आज एक बनाई जाए वीडियो. अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तब भी आप कमेंट में बताना, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो भी बताना, और लेट्स सी आगे क्या होता है. तो मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं लाइक एटलीस्ट स्मॉल लेवल पे अपने इन सॉन्ग्स को परफॉर्म करना चाहूँगा. और मैंने एक बार लाइफ में किया है परफॉर्म इनमें से कुछ गानों को, कुछ सॉन्ग्स को, इंस्ट्रूमेंटल है सारे, और मैं आगे भी करने की सोच रहा हूँ. सो लेट्स सी. बट मुझे ऐसा माहौल चाहिए पर्सनली, एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिक फैन, मुझे यहाँ पे माहौल चाहिए इस तरह का कि मैं देखने जाऊँ अच्छे बैंड्स को. नॉट ओनली बैंड्स, किसी भी तरह का कोई म्यूजिक प्रोजेक्ट हो मैं देखूँ और इंस्पायर हूँ, और ऐसे वेन्यूज आए. एक लौती जो उम्मीद थी हार्ड रॉक कैफे इन चंडीगढ़, दे आर नॉट ऑल्सो नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ स्टफ. लाइक ऑनेस्टली लाइक वहाँ पे भी मैंने ज़्यादातर जो हर जगह चल रहा है भाई वो वहाँ भी चल रहा है. आई थिंक सो थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट नॉट मच इन माय ओपिनियन. सो इस तरह के वेन्यूज होने चाहिए और इस तरह के ऑडियंस भी. आई थिंक लेट्स होप कि हमें मिले. तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम. तो टेक केयर, बाय बाय.